जी, मैं मियां से बात कर रहा हूँ। जी, मेरी मेहमान से गुजारिश है कि वो जरा कुछ बच्चों को जायदाद के हवाले से, कि ताकि आजकल जो नंबर लेने के हवाले से वालदैन परेशान है, तो बच्चों को कोई अच्छी सी कोई गाइडेंस दे, ताकि तालीम के मैदान में जरा दिया जा सके। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। पहले तो बहुत शुक्रिया कि अगेन वालदैन इस चीज़ को अवेयरनेस अब आ रही है कि ये ज़रूरी है। अब इसमें एक तो ये कि इन्फॉर्मेशन एज है, आप यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसपे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलते हैं। तो असल मेरा भी अवेयरनेस, जिसमें मैं सेमिनार्स करता हूँ तो उसमें अवेयरनेस का ज़्यादा होता है कि अवेयरनेस हो जाए बच्चों को ना, कि एक चीज़ जो सख्ती से हम बैठे हुए हैं और एक बच्चा आप पे, मैं समझता हूँ कि अगर बच्चा आधे घंटे से ज़्यादा किसी एक चीज़ को याद कर रहा है ना, तो उसका मतलब उसे वो चीज़ समझ ही नहीं आती, उसे पता ही नहीं है। लाइक कोई भी चीज़ आपकी ऐसी नहीं है जो कि मतलब जैसे हम मजमून याद करते थे, कायदे आजम का मजमून है तो 15 मिनट से ज्यादा नहीं, और ऐसा याद होगा कि कभी सारी जिंदगी नहीं बोलेगा। लेकिन अगर वो टेक्निक यूज करें तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले पेरेंट्स खुद, जो अगर यंग पेरेंट्स हैं तो खुद इस चीज को समझें कि कैसे मेमोरी इंप्रूव होती है। और कोई भी चीज हिडन नहीं है, गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं तो आपको इजिली सारी चीजें मिलेंगी। और जो मेरा प्रोजेक्ट जो मैंने विन किया था पंजाब गवर्नमेंट के साथ, वो है माइंड वर्कशॉप, कि ऐसी वर्कशॉप जहाँ पे माइंड को रिपेयर करते हैं। तो माइंड वर्कशॉप के हवाले से आपको बहुत सारी वीडियोस मेरी मिलेंगी कि जहाँ पे आपको कैसे मेमोरी को इम्प्रूव करना है, कैसे वो बर्डन कम करना है। अभी जैसे हमने एग्जाम फोबिया की बात की कि उसको कैसे कम करना है। और एक चीज़ समझ लें कि नंबर लेना ही सबसे कामयाबी, स्टूडेंट के लिए कामयाबी क्या है, उसके कितने नंबर हैं। अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो उसमें जो होते हैं रिश्तेदार भी सवाल करके यही पूछ रहे होते हैं ना, कितने बच्चे के नंबर कितने हैं, नंबर कितने हैं, और बच्चा इसे टेंशन में तो पता नहीं कितने नंबर आएंगे। तो इसलिए ये चीज समझना जरूरी है कि नंबर लेना ही कामयाबी, स्टूडेंट के लिए कामयाबी जो है ना वो उसके मार्क्स हैं। तो लेकिन वो अब ये जानना चाह रहे थे कि याददाश्त को किस तरीके से हम बच्चे की बेहतर कर, याददाश्त के लिए यही है कि टिप्स में अगर देखा जाए तो फिर जो डिटेल इसमें डिस्कशन है, सीखना ज्यादा जरूरी होता है कि जहन कैसे काम करता है। तो उसमें तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो जहन हमारा तस्वीरों में काम करता है, तो अपने तस्वीरें याद करनी, फॉर एग्जांपल कोई भी अगर कोई चीज याद कर रहे हैं तो उसकी पिक्चर आपने जहन में रखनी है, क्योंकि आपके माइंड में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी पिक्चर्स की फॉर्म में ना। लेकिन जैसे मैंने कार बोला तो आपके माइंड में कार की तस्वीर आई होगी, CAR नहीं आया होगा। सिमिलरली मैंगो बोला, केक बोला, पिज्जा बोला, तो सबकी तस्वीरें जहन में आ रही है ना, और सबकी तस्वीरें डिफरेंट होगी। जैसे मैं एप्पल बोलता हूँ तो कहीं के जहन में आईफोन वाला एप्पल आएगा, कहीं के जहन में खाने वाला एप्पल आएगा, तो तस्वीरें डिफरेंट होंगी बट पिक्चर्स होंगी। लेकिन यही है कि आपने अपने जहन को किस तरीके से तैयार करना है, उसमें आपकी तमाम डिटेल्स जो है वो इनकी यूट्यूब पे जो है आपको वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। अच्छा जी, हम